अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत खुशामदीद आज के आपके नए सबक में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे पिछले सारे असबाक देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो पहले जाके आप वो देख लीजिए, ताकि आपको आगे नए वाले सबक के अंदर बहुत ज्यादा आसानी हो सके। तो सबसे पहले सिफात के ये तीन सेट याद कर लीजिए। कौन कौन से? सौ दो तौलाफ और अल्लाह का नाम, और बाकी सारे जितने भी हरूफ है वो बारीक है। तो सबसे पहले हम बारीक हरूफ के साथ प्रैक्टिस करते हैं, इशारों के साथ। लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले आप हमें कोई क्विज का आंसर कर दीजिए और बताइए कि तीन मोटे और ऊंचे हरूफ कौन कौन से हैं। बिल्कुल सही जवाब, कौफ गैन खो, ये तीन मोटे और ऊंचे हरूफ। तो सबसे पहले बारीक हरूफ के साथ प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ इशारा करिए, ल का, ल का, ल का, लका, 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 मा, 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 जा, जा, ला। अब मोटे हर्फ के साथ प्रैक्टिस करके देखिए, ता, रो, का, ता, रो, का, ता, रो, का। और अब मोटे और ऊंचे हर्फ के साथ प्रैक्टिस करिए, रो। अब बहुत मोटे और बहुत ऊंचे हर्फ के साथ प्रैक्टिस करते हैं। जबरदस्त। अब मैं आखिर में बस आपसे कोई क्विज पूछ लेता हूँ और आप मुझे उसका एक क्विक आंसर कर दीजिए। तो मुझे बताइए, ख हलक के कौन से हिस्से से अदा होता है? बिल्कुल सही जवाब, ऊपर वाले हिस्से से। तो बस दोस्तों, आज का सबक इतना ही था। इस सबक की आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा मश्क करनी है। जो इशारे आपको सिखाए गए हैं उन्हीं इशारों से याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, हमें दुआ में याद रखना है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं कल आपको एक नए सबक के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।